दोस्तों, सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 14 का अगले हफ्ते ग्रैंड फिनाले होने वाला है। इस शो में कई कंटेस्टेंट्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी शानदार और जानदार सिंगिंग से काफी सुर्खियां बटोरी है। अब ग्रैंड फिनाले से पहले विनर कंटेस्टेंट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, तो दोस्तों कौन बन रहा है आखिर शो के इस ग्रैंड फिनाले का विनर, दोस्तों उसके बारे में जाने उससे पहले आप हमें आपके उस फेवरेट कंटेस्टेंट का नाम बताइए जिसे आप शो के इस सीजन का विनर बनते देखना चाहते हैं। जी हाँ, क्या वो ओबोम है, शुभदीप है, अनन्या है, अंजना है, आद्या है या फिर दोस्तों इनके अलावा कोई और। वहीं दोस्तों आपको बता देंगे, फिनाले से पहले अब सबसे ज्यादा चर्चा कंटेस्टेंट अनन्या पाल के नाम को लेकर हो रही है। जी हाँ, जो कि शो की शुरुआत में तो इतना हाईलाइटेड नहीं थी, लेकिन दोस्तों अब अपनी सिंगिंग से बड़े धुरंधरों को नर्वस कर दिया है। बता देंगे दोस्तों, अनन्या पाल अब जजों की भी फेवरेट बन गई है। हर बार वो अपनी परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीत रही है। अनन्या को ढेरों वोट्स भी मिल रहे हैं। जी हाँ, और दोस्तों यही रीजन है कि अनन्या इस सीजन में एलिमिनेशन की रडार पर कभी दिखी ही नहीं है। वहीं दोस्तों अनन्या के मुकाबले कंटेस्टेंट ओबोम तांगू को लेकर भी फिनाले से पहले जबरदस्त बज है। यानी कि ओबोम और अनन्या दोनों के फैंस अपने फेवरेट सितारे को जिताने की होड़ में हैं। जी हाँ, बता दें दोस्तों ओबोम भी शो में एक बड़ी स्टार है और इंडियन आइडल में अपनी सिंगिंग से सबका दिल जीता है। फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ओबोम इस सीजन में सबसे ज्यादा बार बॉटम में आए हैं। जी हाँ, और दोस्तों बार बार बॉटम में आने वाला कंटेस्टेंट विनर नहीं बनता है, यह हमने कई रियलिटी शोज में देखा है। अब देखना है कि शो के ग्रैंड फिनाले में ओबोम क्या अनन्या पाल से जीत पाएंगे या फिर नहीं। इसे लेकर आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।